नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपने देखा होगा जो भी सिटी हो उसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मजदूर और जो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, वो आमतौर पे हर शहर में, हर गांव में, हर ज़िले में उनको दिक्कत परेशानियां होती हैं। मेरे साथ एक ऐसी महिला आज मौजूद हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन तमाम जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी एक छत्र छाया के नीचे उनको सपोर्ट देने के लिए, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम करती हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम क्योदाया जी। आप किस पद पे हैं वहाँ पे और क्या आपकी भूमिका है वहाँ पे? वहाँ मैं 2015 से स्ट्रीट वेंडर को चला रहा हूँ। मैं एक गरीब लाचारा और महिला लोग को, दुख तकलीफ वाला महिला का साथ में मैं बहुत 2015 से जोड़ा रह रहा हूँ, तो इसलिए हमारा स्ट्रीट वेंडर भी बहुत तकलीफ में है ना। हमारा सरकार से खुश है ना, और हमारा ये पब्लिक जो कुछ भी खुश नहीं है। हमारा पब्लिक ऐसा है ना, बेचने के लिए जगह है ना, रोजगार करने के लिए जगह नहीं है, और थोड़ा सा जगह मिले भी हो तो पूरा ये कर देता है हमारा, ये कर देता है आके हम लोग का पूरा की पूरा हमारा माल साल, हमारा ये को भी, सामान को भी पूरा पेका पेकी करके हमारा सरकार जो हम लोग का स्ट्रीट वेंडर को भी ये कर देता है, एवेक्शन कर देता है, पूरा सामान को डैमेज कर देता है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर आदमी तभी बनेगा जब खुद का कोई काम करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो स्ट्रीट वेंडर बनता है, वो गलियों में, सड़कों के किनारों पे अपना सामान बेचता है। तो सरकार सहयोग नहीं देती, जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। अगर सरकार सहयोग नहीं देगी आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? तो हमारा सरकार, हम आजकल ऐसा हो गया हमारा स्टेट में, सरकार जो गुंगा हो गया, बहरा हो गया, हमारा कुछ भी नहीं सुनता है, जितना गुहार लगाने से भी नहीं सुनता है। इसलिए मैं आज भी मेरा सरकार से पीर अपील करेगा, और हमारा गरीब को, हमारा जितना स्ट्रीट वेंडर को रहने के लिए तकलीफ हो रहा है, बैठने के लिए तकलीफ हो रहा है, हमारा जगह दिखा दो, और उसके बाद थोड़ा हमारा सरकारी का जमीन भी, और हम लोग का हक बनता है, गरीब का हक बनता है, इनको थोड़ा देखभाल करके, अच्छा देख के हमारा जितना ये को दुख गरीब वाला को और तकलीफ वाला को साथ दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी को हम पीर यही अपील कर रहे हैं। आपके नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि अपना आप काम करो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन जो सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश के, पेमा खांडू, क्या वो सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानते हैं? तो इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश करप्शन है बोल के, तो यहाँ में करप्शन अगेंस्ट का आंदोलन कर रहा है ना, यहाँ में जंतर मंतर में, इसलिए हमारा वहाँ का, हम अभी बोला है ना, हम स्टेट में भी बोला है, अभी यहाँ में स्टेज में भी बोला हुआ है, तो इसलिए हम आजकल, आज का दिन में मैं इसलिए, और हम, हमारा स्ट्रीट वेंडर का रूप में भी रहेगा आज, मैं अरुणाचल का नारी शक्ति, ये गरीब और लाचारा हम लोग बहुत सह के तंग आ गया, इसलिए आज हमारा कलेजा फटने जा रहा है, फट गया, इसलिए हमारा अरुणाचल का नारी शक्ति का पार्टी जो हम लोग, जो सरकार ने हमारा गुहार को नहीं सुनता है, हमारा बात नहीं सुनता है, हमारा ऊपर जुलूम करता है, अत्याचार करता है, और कुछ हमारा बात नहीं सुनता है, इसलिए आज का दिन में यहाँ पर हम लोग आज ये हमारा अरुणाचल करप्शन एजेंसी में जो जो मेमोरेंडम सबमिट किया है, इनको नहीं मानने से, इनका डिमांड को नहीं मानने से, सीबीआई, ईडीआई नहीं भेजने से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग को मजबूरन मत किया करो, और हम लोग नारी शक्ति, अरुणाचल नारी शक्ति ग्रुप है, हम लोग कोने कोने में जाके अपना आवाज को उठा के, हमारा जितना गरीब, हमारा अमीर को वो सरकार ने खरीद लिया, वो आराम से सो रहा है, और हम लोग जो गरीब है इनको इसका कोई नहीं सुनता है, पुकार को नहीं सुनता है, हम लोग को दबाते रह जा रहा है, इसलिए हम लोग और ये 4-5 दिन या 10-15 दिन देखेगा अरुणाचल करप्शन का अगेंस्ट का मेमोरेंडम सबमिट करने वाला को नहीं सुनता है, तो मैं अरुणाचल का जनता को लेके, महिला को लेके, हम ट्रेन को खुद का 1-2 रुपया से
हम लोग पूरा मिलजुल के ये अपना तकैद करके हम लोग जंतर मंतर में लेके आके हम लोग धरना करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, और मरना भी चाहे तो मर भी जाएगा, और अगर हम लोग जान गवा भी गया है तो मर भी गया है तो सरकार जिम्मेदार होगा। तो साफ तौर पे जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा है उसमें महिला सशक्तिकरण जो है, महिलाएं भी अरुणाचल की साथ हो गई हैं, और जैसे कि जानकारी दिया मैडम ने बताया कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो अरुणाचल से महिलाएं जो हैं वो दिल्ली का रुख करेंगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे अमूमन जो देखा गया है दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो स्ट्रीट वेंडर से दुकान लगाने के पैसे ले लेते हैं, चाहे वो वहाँ का अथॉरिटी हो चाहे वो लोकल पुलिस हो, क्या वहाँ भी इसी तरह का करप्शन है? छोटा छोटा के जो दुकान लगाते हैं उनसे पैसे लेते हैं तभी दुकान लगाने देते हैं? हम लोग को सरकार जो ये हम लोग को जिस जिसको थोड़ा सा ये जहाँ में हम लोग रहता है हमारा पब्लिक महिला है हम लोग का वहाँ में रोजगार ये मर्द नहीं करता है, हमारा रोजगार नहीं करता है हमारा औरत लोग ना, हमारा ये महिलाएं वहाँ में रोजगार करता है, तो उसमें महीना में भी वो लोग 50 रुपीज़ करके लेता है, हम लोग को फ्री नहीं छोड़ता है, 50 रुपीज़ करके भी लेता है, और उसका बाद नहीं मानने से हम लोग को पूरा आंदोलन करके पूरा एवेक्शन करके हमारा पूरा की पूरा सामान को डैमेज किया जाता है। आप उन लोगों की आवाज़ बनती हैं, आप उन लोगों की आवाज़ बनती हैं, महिलाओं का सपोर्ट करती हैं, क्या आपके ऊपर कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने आपके ऊपर दबाव बनाया हो, आपको परेशानी हुई हो? तो हमारा एक जगह है 6 किलो बोल के ना, हमारा अरुणाचल प्रदेश में 6 किलो बोल के ना, वहाँ एक जगह है, और मुझे वहाँ में एक डीसी जो बोलता है एविक्शन नहीं कर देना है, समय देना है बोल के ना, ऐसा मतलब एक हफ्ता 8 दिन जैसा ये करो उनका ये उसका ये करके नोटिस इशू करके जगह को खाली करने दो, ऐसा बोला है, ऐसा बोल के मीटिंग किया गया है, मुझे भी बुला गया है, तो इसलिए हम लोग एक डीसी जो ऐसा बोल के हम लोग निगोशिएशन किया है एक हफ्ता का बाद तोरा बोल के हम लोग तोरा साइड कर देगा, वो लोग हम लोग को तोरा देख के कुछ जगह ही देगा बोला है, तो हम इनका बात सुन के बैठा है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हमारा ADM साहब जो तलोपुतम जी ने हमारा बात नहीं सुना है, और मुझे लड़ने के लिए भी बहुत पुलिस को लाके हमारा 6 किलो में पूरा की पूरा हमारा वेंडर का टीना डैमेज हो गया, हमारा गरीब का जितना केला डैमेज हो गया, जितना आइटम बेचा हुआ है उसको पूरा डैमेज किया गया है, और हमारा पब्लिक को पूरा लेके जेल लगाया गया है। क्या कहेंगे आप जो अरुणाचल की सरकार है उसको, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ के, महिलाएं हैं वहाँ की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो हमारा माध्यम से हमारा जी ये हमें कलकत्ता में मेरा शक्तिमान घोष दादाजी ने यहाँ में कलकत्ता में रहता है हमारा सेंटर में रहता है, तो हम दिसंबर का महीना में जाके फिर हमारा दादाजी से फिर मिलेगा, हम सलाह लेगा, और उसका बाद में हमारा जो जगह में हमको देगा बोल के घर बना देगा बोल के मुझे छह जगह दिया गया है, नोटिफाइड एरिया है, उसको अभी तक नहीं बना दे रहा है, अगर नहीं बनाया जाएगा तो हम भी फिर आंदोलन शुरू कर देगा, हमारा महिला हमारा ये नारी शक्ति हमारा गरीब के लिए पूरा लड़ने के लिए रेडी है, मैदान में उतारने के लिए रेडी है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसे कि आपने जानकारी सुनी कि महिला शक्ति जो है, महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है, लेकिन अरुणाचल की महिला जो है वो जाग चुकी है, मैडम के साथ हजारों लाखों महिलाएं हैं जो वहाँ कारोबार करती हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और तमाम जो इस तरह का भ्रष्टाचार है और इस तरह की जो जनता को अमूमन जो झेलना पड़ता है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं, अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।